प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो अदर हूँ आप सबके बिन। कैसे हैं दोस्तों? वेलकम टू सत्या बायोलॉजी चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं नए पिक्चर के ट्रेलर के बारे में। इस पिक्चर का नाम है मरजावन। दरअसल इस पिक्चर में हीरो के रोल करते हैं हमारे सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो इसके पहले पिक्चर में दिखाई दिए थे जबरा जोड़ी में। उसके बाद इनका ये अगला पिक्चर है जिस पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं और विलन के रोल कर रहे हैं रितेश देशमुख, और इनके साथ हीरोइन के रोल कर रही है तारा सुतारिया। दरअसल तारा सुतारिया स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू में दिखाई दिए थे। उसके बाद उनकी अगली पिक्चर जो है इसी पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं और रितेश देशमुख विलन के रोल कर रहे हैं, जिसमें एक बोनी कैरेक्टर में दिखाई देते हैं। हाइट में सबसे छोटे और सबसे बड़े विलन के रोल में दिखाई देते हैं। इनका गेटअप भी काफी अलग है। काफी पिक्चर में इन्होंने हीरो का रोल किया है या तो सपोर्टिंग एक्टर्स के तौर में रोल किया है, एकदम कॉमेडी रोल में ही दिखाई देते हैं। दरअसल इनका ये पहला पिक्चर होगा जिस पिक्चर में इन्होंने विलन का रोल किया है। दरअसल इस पिक्चर के ट्रेलर में आपको देखने को मिलेगा कि तरह तरह के डायलॉग्स होते हैं, एकदम भाईचारे की बात की जाती है, और इतना डायलॉग्स रहता है कि आप पिक्चर देखने को ऐसा लगेगा कि आप कुछ ऐसे कोई 90s की पिक्चर देख रहे हो, जिसमें ज्यादा डायलॉग बोला जाता है और लोगों को बहलाया जाता है, वैसे पिक्चर है। और इस ट्रेलर में हीरोइन का जो एक्टिंग है, इसमें एक्टिंग कुछ है ही नहीं, जबकि दरअसल वो फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस बने नहीं बल्कि एक हीरोइन बनने आई है। बस लव करना, ये करना, ज्यादा दिखावा करना, बस ऐसा ही है। और मरजावा जैसे टाइटल का नाम रखा गया, वैसे ही ट्रेलर में सब दिखा दिया जाता है कि हीरो हीरोइन को गोली मार देते हैं, पर क्यों के क्या उसका तो कुछ पता नहीं चलता। पर तरह तरह के डायलॉग्स आते हैं और ओवर एक्टिंग की तरह है ट्रेलर में देखने को लगता है, हमें देखने को मिलता है कि ट्रेलर ऐसे तो हमें आकर्षित बनाए आकर्षित करने के लिए बनाया गया ऐसा लगता है, और पिक्चर में भी कोई हमें दम नहीं लगेगा क्योंकि कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग लगता है सबका। चलिए, विलन का रोल इन्होंने अच्छा ही किया, रितेश देशमुख ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है, भले उसमें बोनी कैरेक्टर करते हैं पर उनका जो डायलॉग्स वायलॉग्स, जो प्रेजेंटेशन देखने का जो तरीका, सब तो ठीक है, पर मेरे को हीरो हीरोइन का तो कुछ खास नहीं लगा। बस हीरो लव करते हैं और हीरोइन लव करती है, और हीरो इलाके के हीरो मवाली लगते हैं, बस यही चलता है ट्रेलर में, तो ऐसे देखने को मिलता है। देखते हैं कैसा है। पिक्चर के रिलीजिंग डेट में भी काफी आगे पीछे होने वाला हुआ है। अभी एग्जैक्टली कब रिलीज करेंगे इसका तो भी अभी बराबर तय नहीं है। देखते हैं जब रिलीज करेंगे तो क्या पिक्चर बॉक्स ऑफिस में धूम मचाती है कि नहीं। पर दिखाया तो है कुछ हीरो हीरोइन ओवर एक्टिंग लगता है मेरे को ट्रेलर में देखने को मिलता है कि डायलॉग्स सबसे ज्यादा है और एक्शन जरूर से ज्यादा इसमें दिखाया गया है। ट्रेलर से तो मेरे को ऐसी लगता है। आप देखेंगे जब पिक्चर रिलीज होगा तो पता चलेगा कि इसमें स्टोरी क्या है और क्या कहना चाहते हैं। चलिए, तब जब रिलीज होगा तब तक उसकी हम राह देखेंगे। तब तक लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल सत्या बायोलॉजी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।